हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज गुरुवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। बर्फबारी के बीच 12 बजे अंतिम अरदास पढ़ी गई। इसके बाद दरबार साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में शोभित किया गया। दोपहर 1 बजे कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। पुणे के सुरिंदरपाल सिंह और उनके जत्थे ने दरबार साहिब में वर्ष का अंतिम कीर्तन किया। गढ़वाल स्काउट और पंजाब के बैंड भी मौजूद रहे। गुरुद्वारा के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि कपाट बंद होने के दौरान 2500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ा है। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु पहुंचे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट।